मैं मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। कभी कभार ज्यादा भक्ति हानिकारक होती है, यह आपने सुना होगा। आज कंगना अपना एक्सपीरियंस खुलाकर शेयर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को की भक्ति कंगना को घाटे का सौदा हो चुकी है। जी हाँ, कंगना ने खुद ये बात आकर ट्विटर पे कही है, खुद एक्स पर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही है। आपको बताएंगे, मगर आपको बता दें कि किसी और ने मना नहीं किया है, बल्कि जियो सिनेमा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, और इसका कारण ये है कि वो बीजेपी की भक्ति करती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जियो तो अंबानी जी का है, और अंबानी जी का है तो अंबानी जी क्यों मना कर देंगे, उनके तो अच्छे रिश्ते हैं भैया। लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत बातें करती है, जिस तरह के बयानबाजी करती है, उनका कहना है कि इस कारण उनके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काम करने के लिए मना कर रहे हैं। इसे लेकर काफी लंबे समय से कंगना का कहना था कि वो एक नई मूवी लाएंगी, बल्कि इस बानों को लेकर वो एक मूवी बनाएंगी, फिल्म बनाएंगी, जिसमें उन्होंने स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है। मगर आखिर लोग उनके साथ काम करने को क्यों तैयार नहीं है, इस बात का खुलासा उन्होंने पिछले दिनों किया। देखिए, हिंदुस्तान की खबर है जहां पे लिखा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कंगना के साथ काम करने से किया मना। एक्ट्रेस ने लिखा, भाजपा का समर्थन करती है इसलिए। सोचिए कि क्या दिन आ गए हैं आपके लिए। अब आपके ईस्ट की भक्ति करना भी गलत हो गया है। ईस्ट इसलिए कह रही हूं क्योंकि कंगना को ही नारायण की छवि नजर आती थी मोदी जी में, मगर अब देख लीजिए क्या दिन आ गए हैं। खबर में देखिए कि आखिर क्या लिखा गया है। कंगना रनौत बिल्किस बानो पर फिल्म बनाना चाहती हैं, लेकिन कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म इस फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का दावा खुद एक्ट्रेस ने किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात कही है। कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि जियो सिनेमा वालों ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, कंगना ने ये भी दावा किया है कि जियो सिनेमा ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कंगना भाजपा का समर्थन करती है। कंगना ने इस ट्वीट में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो का भी जिक्र किया है। आइए जानते हैं कि आखिर कंगना ने क्या सब बोला है। सोचिए कि आज नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, या फिर जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो बड़े हैं, जियो सिनेमा हो, ये सारे के सारे अब कंगना के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। कंगना की जो मूवी है उसके राइट्स लेने को तैयार नहीं है। क्या कारण है, क्यों आज ऐसी छवि बन गई है कंगना रनौत की, जो मतलब बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में से आने वाली कंगना रनौत, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने बेहद बेहतरीन काम किया है, उसके बावजूद आज इस तरह की छवि होने का क्या कारण है? केवल यही कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली हैं जो शायद उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। वो शायद पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा घुलती चली गई कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को पीछे छोड़ दिया, और यही कारण है कि आज इस तरह का उनके करियर के हालात हो चुके हैं कि उनकी मूवी लोग खरीदने को तैयार नहीं है। सोचिए, पिछले दिनों उनकी मूवी आई थी तेजस, वो भी उस हिसाब से नहीं चली। कई ऐसी मूवीज है जिसमें कंगना ने इन्वेस्ट किया है और बड़े पैमाने पर किया, उसके बावजूद कंगना को जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहे। और इस सब का कारण कंगना का कहना है कि ये बीजेपी का समर्थन करना इस सब का बड़ा कारण है। देखिए कि आखिर कंगना ने क्या कहा है। दरअसल कंगना के एक प्रशंसक ने उनके सोशल मीडिया पर बिल्किस बानो की कहानी लिखने का अनुरोध किया था। वरुण वर्मा नाम के इस प्रशंसक ने लिखा था कि प्रिय कंगना, महिला सशक्तिकरण के प्रति आपका जुनून देखकर बहुत अच्छा लगता है, आप क्या बिल्किस बानो की कहानी को फिल्म के रूप में बताना पसंद करेंगी? इनकी कहानी के जरिए आप दुनिया को दिखा सकती हैं कि कैसे एक राज्य सरकार ने आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर एक विशेष समुदाय पर कहर मचाया था, कैसे राज्य सरकार की वजह से एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, कैसे बिल्किस ने भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
क्या आप इस कहानी को बिल्किस बानो नारीवादी या कम से कम मानवता के लिए दिखाने की कोशिश करेंगी? जिसके बाद कंगना ने इस ट्वीट का जवाब लिखते हुए कहा था कि मैं खुद इस कहानी पर काम करना चाहती हूँ, मेरे पास तो स्क्रिप्ट भी तैयार है, मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है और इस पर 3 साल तक काम भी किया है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो और अन्य स्टूडियोज ने कहा है कि वे तथाकथित राजनीति से प्रेरित फिल्में नहीं करते हैं। वहीं जियो सिनेमा ने कहा है कि हम कंगना के साथ काम नहीं करते क्योंकि वह BJP का समर्थन करती हैं और जी विलय के दौरान से गुजर रही हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यानी कुल मिलाकर उनका साफ तौर पर कहना है कि दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं और जियो सिनेमा इस बात का दावा कर रहा है, ये कंगना रनौत का दावा है कि जियो सिनेमा ने ये बात कही है कि क्योंकि वो राजनीति से कुछ ज़्यादा ही ये हैं और हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो BJP के भक्त हैं। साफ तौर पर क्या राजनीति से प्रेरित होने की ये जो फिल्म है ये बनाने का कारण कंगना रनौत का क्या नारी सशक्तिकरण को दिखाना है या फिर कुछ और है? आखिर क्या कारण है? क्योंकि बिल्किस बानो के लिए जब आवाज उठानी चाहिए थी उस दौरान तो शायद जब उन्हें उस वक्त गुजरात कोर्ट के खिलाफ बोलना चाहिए था, कंगना को यह भी कहना चाहिए था कि गुजरात कोर्ट जो फैसला दे रहा है वो गलत है। जब उनकी रिहाई हो गई उस वक्त भी कंगना को आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने बिल्किस बानो को लेकर एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है जैसा कि उन्होंने अपने फॉलोअर को, अपने फैन को कहा, मगर क्या कंगना रनौत एक बार भी BJP के खिलाफ या फिर कहूँ कि गुजरात सरकार के खिलाफ उसने कहा था कि इस तरह से क्यों उन्हें वहाँ पे छोड़ा जा रहा है? क्या गुजरात हाईकोर्ट में जब ये फैसला चल रहा था उस दौरान एक बार भी उसने कहा कि गुजरात में तो भाई BJP की सरकार है और BJP की आप समर्थक हैं, तो क्या आपने सोचा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में अगर कंगना कोई बात कहती है तो उसे लेकर एक अलग क्रेज होता है कि कंगना ने ये बात कही है, तो क्या कंगना ने एक बार भी जरूरी समझा कि वो इस पर कोई ट्वीट करती कि ये गलत है उन्हें छोड़ना? मगर आज कंगना रनौत के पास स्क्रिप्ट रेडी है और उस फिल्म को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म इसके लिए रेडी नहीं है और कुल मिलाकर उनके जो आज तक के जो कर्म कह लें या फिर आज तक जिस तरह का एटीट्यूड उनका रहा है, हालांकि अपने प्रोफेशन में कंगना रनौत बहुत अच्छा काम करती है, मैं खुद उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, उसके बावजूद कंगना रनौत की ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है जिस तरह से वो लगातार BJP की अंधभक्ति करती हैं, BJP को लेकर हर रोज एक नए नए भाषण देती हैं, हर रोज एक नई बात कहती है और उसके बाद आज उनका कहना है कि क्योंकि वो BJP की भक्ति करती हैं, BJP को मानती हैं, इसलिए उन्हें ये फिल्म नहीं, उनकी फिल्म बिक रही है और यही कारण है कि लोग उनकी फिल्में नहीं देख रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स उनके सपोर्ट में नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। क्या इस तरह के हालात आज कंगना रनौत ने अपने कारण नहीं बना लिए हैं? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।